Good morning, students. I hope you all are safe. We have studied exercise 14.2 in the last video, and today we will study exercise 14.3. So let's begin with question number first. Draw any line segment PQ without measuring PQ. Construct a copy of PQ. अब यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है PQ, जिसकी हमें मेजरमेंट नहीं पता. विदाउट मेजरिंग PQ हमें इसको मेजर नहीं करना कि इसकी लेंथ क्या है. कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ PQ, फिर हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है उसकी कॉपी, मतलब सेम इट इज सेम एज इट इज हमको PQ की एक कॉपी कंस्ट्रक्ट करना है. सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ जिसकी लेंथ हमको नहीं पता. तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, दिस इज पॉइंट पी. सो इसको बिना मेजर किए अब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली. इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी कितनी भी लेंथ इसकी ले सकते हैं, आपको मेजर नहीं करना बट इसकी लेंथ. ये हो गया पॉइंट क्यू. ठीक है, अब इसको हमने मेजर नहीं किया. अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, अब हम कंपास लेंगे और इसका जो पॉइंटर है इसको रखेंगे हम पी पे. इसको रखा हमने पी पे और इसको कहां तक ओपन करेंगे, क्यू तक. ये इसको हमने क्यू तक ओपन कर लिया. ठीक है, अब ये पी क्यू की लेंथ जो है इसमें आ गई, उसका मेजरमेंट जो है पी क्यू का वो इसमें आ गया. अब इसको हमने रख दिया. अब हमने एक और लाइन ड्रॉ करी, हमने एक और लाइन ड्रॉ करी और इसको हमने नेम दे दिया लाइन एल. अब इसके बाद हमने क्या किया, इस पे एक पॉइंट बना दिया और उसको नेम दे दिया ए. ठीक है, अब हमने ये जो मेजरमेंट लिया था इसको बिना चेंज किए एज इट इज हमने इसको रखा पॉइंट ए पे. ठीक है, अब पॉइंट ए पे रखा और एक यहां पे आर्क ड्रॉ कर दिया. ये आर्क जो हमने ड्रॉ किया जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, इसको हमने नेम दे दिया बी. अब यहां पे मैंने ए भी लिया है, अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी जो हम लेबलिंग कर सकते हैं. अब हमने क्या किया, ये जो पी क्यू था इसकी एज इट इज कॉपी आ गई ए बी. सो ये क्या आ गया, ए बी इज अ कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू. सो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या, गिवन पी क्यू हुज लेंथ इज नॉट नोन. पी क्यू हमने जो थी वो ड्रॉ करी जिसकी लेंथ हमको नहीं पता. देन प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन पी. इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा कंपास था उसका जो पॉइंटर था उसको किस पे रखा था, पी पर. एंड ओपन इट टू द प्लेस द पेंसिल पॉइंट अप टू पॉइंट क्यू. और उसको कहां तक ओपन किया था, पॉइंट क्यू तक, उसकी जो पेंसिल का पॉइंट था उसको. द ओपनिंग ऑफ द कंपास नाउ गिव्स द लेंथ ऑफ पी क्यू. जो ओपनिंग थी कंपास की, अब उससे हमें क्या पता चल गया, जो पी क्यू की लेंथ है. देन उसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट ए ऑन लाइन एल. उसके बाद हमने क्या किया था, लाइन एल जो थी वो ड्रॉ करी और इस पे एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ए. देन विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग ऑफ द कंपास प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन पॉइंट ए एंड कट एन आर्क ऑन द लाइन एल एंड नेम इट पॉइंट बी. इसके बाद हमने क्या किया, जो कंपास की ओपनिंग थी उसको बिना चेंज किए जो उसका पॉइंटर था उसको किस पे रखा, पॉइंट ए पे, और एक आर्क बना दिया लाइन एल पे, उसका नेम क्या दे दिया हमने, बी. देन थर्स लाइन सेगमेंट ए बी इज द कॉपी ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू. तो जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो किसकी कॉपी हो गई, पी क्यू की, क्योंकि हमने सेम मेजरमेंट जो यहाँ पे ली थी, लेंथ ली थी सेम एज इट इज हमने जो है यहाँ पे आर्क बना दिया, तो ये हो गई सेम लेंथ की, मतलब कॉपी. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3. गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे हमको क्या एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, हुज लेंथ यू डू नॉट नो, जिसकी लेंथ हमको नहीं पता. कंस्ट्रक्ट पी क्यू, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू ट्वाइस दैट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. अब हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू जिसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब ए बी का डबल, ए बी का ट्वाइस. तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ कर लेंगे जिसकी लेंथ हमको नहीं पता, तो उसको हम बिना मेजर किए कोई भी लेंथ की ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इसकी लेंथ हमको नहीं पता, इसको हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं. एंड दिस इज बी. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपास है उसको लेंगे, अगेन इसका पॉइंटर हम किस पर रखेंगे, ए पे, एंड इसको बी तक ओपन करेंगे. इसका पॉइंटर रखा हमने ए पे एंड इसको कहां तक, बी तक ओपन किया. अब ये मेजरमेंट किसका आ गया, ए बी का. अब इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन हम थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करेंगे बट इसका मेजरमेंट नहीं लेंगे, बट थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करेंगे हम इसको, लगभग इस लाइन का जो है वो डबल हो जाए. ठीक है, अभी हमने लाइन ड्रॉ करी और इसको नेम दे दिया क्या, एल. इसको हमने नेम दे दिया एल.
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया और हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, पी क्यू, तो नेम जो है इसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने नेम ले लिया यहाँ पे इसका थ्री पॉइंट का। अब इसको बिना चेंज किए, जो उसको हमने मेजरमेंट लिया था, लेंथ ली थी ए बी की, इसको बिना चेंज किए हमने पॉइंटर जो है कंपास का वो रखा पी पे, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क बना दिया, ठीक है, यहाँ हमने एक आर्क बना दिया ऑफ, और ये जो पॉइंट बना यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे एक पॉइंट बना, इसको हमने नेम दे दिया आर, ठीक है। अब हमको क्या है, डबल बनाना है, मीन्स ट्राइस ऑफ दिस। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे पॉइंट आर पे एंड एक और आर्क जो है वो बना देंगे। तो हमने एक और आर्क बना दिया और अब इसको हमने क्या नेम दिया, ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या नेम दिया, क्यू। सो हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी की लेंथ ली किससे, कंपास की हेल्प से, देन उसको पॉइंट पी पे रखा और एक आर्क लगा दिया, उसको नेम दे दिया आर, देन अगेन हमने जो पॉइंटर था उसको रखा आर पे और फिर एक और आर्क लगा दिया, उसको नेम दे दिया क्यू। हमने दो बार ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ क्या बनाना था, ए बी, ठीक है। तो हमने ए बी की लेंथ ली, देन पी आर ड्रॉ कर दिया, देन आर से दोबारा ड्रॉ कर दिया, तो आर क्यू ड्रॉ हो गया, तो ये क्या हो गया, डबल ऑफ ए बी। नाउ इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, गिवन ए बी हुज लेंथ इज नॉट नोन, ए बी जिसकी लेंथ हमको गिवन नहीं है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ए, देन जो कंपास है उसका पॉइंटर रखा ए पे एंड ओपन इट टू प्लेस द पेंसिल पॉइंट अप टू पॉइंट बी, देन उसको ओपन किया और कहां तक रखा उसका प्लेस, उसको कहां तक ओपन किया, पॉइंट बी तक। द ओपनिंग ऑफ द कंपास नाउ गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी, अब जो ओपनिंग है कंपास की हमको क्या दे रही है, ए बी की लेंथ, लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ। ड्रॉ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, अब हमने लाइन जो थी एक एल लाइन ड्रॉ करी और उस पर एक पॉइंट ले लिया पी, विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग ऑफ द कंपास, अब जो कंपास थे उसकी ओपनिंग को बिना चेंज किए हमने क्या किया, जो पॉइंटर था उसको प्लेस किया पॉइंट पी पे और एक आर्क बना दिया, उसको नेम दे दिया आर। प्लेस द पॉइंटर ऑन पॉइंट पी एंड कट एन आर्क ऑन द लाइन एल एंड नेम इट पॉइंट आर। सो जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे हम वैसे वैसे इसके स्टेप्स लिखते जाएंगे, बट इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट वो प्रॉपर होना चाहिए। अब अगेन हम क्या करेंगे, विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग ऑफ कंपास नाउ प्लेस द पॉइंटर ऑन पॉइंट आर एंड कट अनदर आर्क ऑन द लाइन एल एंड नेम इट पॉइंट क्यू। अब बिना दोबारा इसको चेंज किए, इसकी जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, इसको बिना चेंज किए हम कहां पे रखेंगे इसका पॉइंटर, आर पे, देन एक और आर्क बना देंगे लाइन एल पे और उसको नेम क्या दे देंगे, क्यू। थस पी क्यू इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, तो पी क्यू हो गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट जो हमको बनानी थी, क्या थी वो, ट्वाइस ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मीन्स ए बी लाइन सेगमेंट है उसका डबल। So this was exercise 14.3. I hope it is clear to you.